आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, और सब्सक्राइब के बराबर में आ रहे इस बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, शांति विद्यापीठ से मैं विशाल श्रीवास्तव आज आपके लिए MS Word का मैक्रो ऑप्शन लेके आया हूँ। दोस्तों, MS Word एक राइटिंग का सॉफ्टवेयर है जिसमें हमें बार बार लिखना पड़ता है, तो उसके लिए हम शॉर्टकट की बना सकते हैं। उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक ऑप्शन होता है मैक्रो, उसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको किसी टेक्स्ट या फॉर्मेटेड टेक्स्ट को बार बार रिपीट करना होता है, उसके लिए हम कीबोर्ड के द्वारा एक शॉर्टकट की बना के यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम मैक्रो ऑप्शन के द्वारा बनाते हैं। दोस्तों, उसी के लिए आज मैं आपको एक पूरा डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ कि मैक्रोस कैसे बनाए जाते हैं। उसके लिए दोस्तों चलिए देखते हैं। इसमें एक ऑप्शन होता है दोस्तों व्यू रिवन के अंदर एक ऑप्शन होता है, दिस इज़ द मैक्रो। और मैक्रो में बनाने के लिए, चूँकि हमें मैक्रो बनाना है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो दो ऑप्शन आएंगे, व्यू मैक्रोस एंड रिकॉर्ड मैक्रोस। क्योंकि आप मैक्रो बनाना चाहते हैं तो पहले आपको रिकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो दोस्तों, यहाँ पे पहले रिकॉर्डिंग करने के लिए आपको यहाँ पे ये रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा। जैसे ही हम इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, एक ये डायलॉग बॉक्स शो करता है। इसमें आपको सबसे पहले मैक्रो का कोई भी नाम देना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे नाम दे दिया है, सपोज दीप, कोई भी आप नाम दे सकते हैं जो आप देना चाहते हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन में आप यहाँ पे कीबोर्ड की मुझे शॉर्टकट की देनी है, तो यहाँ पे कीबोर्ड पे क्लिक करिए और यहाँ पे एक और डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा शॉर्टकट की के लिए। दोस्तों, यहाँ पे आपसे वो एक शॉर्टकट की मांग रहा है जो आप अपने मैक्रोस के लिए देना चाहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। जैसे कोई भी मैंने शॉर्टकट की, जैसे मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक रिजर्व की शॉर्टकट की है Ctrl+C, और ये ऑलरेडी यहाँ पे बता रहा है करंट असाइन टू एडिट के अंदर कॉपी ऑप्शन के लिए रिजर्व। तो दोस्तों, आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि जो पहले से रिजर्व की है उसको ना दें, क्योंकि अगर आप दे देंगे तो वो वाला जो ऑलरेडी रिजर्व ऑप्शन है वो खत्म हो जाएगा और आपका मैक्रो उस की पे चलना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, कोशिश करें कि अलग से कोई की दें। जैसे दोस्तों, मैं यहाँ दे रहा हूँ Alt+Q, और यहाँ पे ये बता भी रहा है कि करंटली असाइन टू अनअसाइन, यानी कि ये की किसी और ऑप्शन के लिए असाइन नहीं है, तो ये की मैं अपने मैक्रो के लिए असाइन कर रहा हूँ। और यहाँ पे एक बटन आ रहा है जिसपे असाइन लिखा रहा है, इस पर क्लिक करिए और ये आपकी शॉर्टकट की आपके मैक्रो के लिए असाइन हो जाती है। फाइनली आप डायल बॉक्स को क्लोज करिए और आप दोस्तों देखेंगे ये आपका जो पॉइंटर है, माउस का जो पॉइंटर है, ये भी बदल जाएगा, ये रिकॉर्डिंग शुरू करने का इंडिकेशन देता है। और अब आप यहाँ जो भी लिखेंगे वो आपको मैक्रो में रिकॉर्डिंग शुरू करने का। जैसे दोस्तों, मैं यहाँ पे दे रहा हूँ आपको वेलकम टू शांति विद्यापीठ। दोस्तों, यहाँ पे आप अपनी फॉर्मेटिंग भी इसमें, यानी कि आप जो टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, जो जो कमांड आप इसको दे रहे हैं वो मैक्रो में आपके रिकॉर्ड हो रहा है। जैसे मैंने इसका कलर, मैंने इसको दे दिया रेड, ब्लू, अंडरलाइन, साइज चेंज करो, जो भी आप फॉर्मेटिंग करना चाहें दोस्तों वो कर सकते हैं। यानी कि जो भी आप कमांड दे रहे हैं वो आपके मैक्रो में स्टोर हो रही है। दोस्तों, यहाँ मैंने ये जो भी कमांड देनी वो दी। फाइनली आप यहाँ पे अपना मैक्रो में दोबारा जाइए, उस ऑप्शन में जहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो लिखा रहा था वहाँ पे आएगा स्टॉप रिकॉर्डिंग, यानी आप इस रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना चाहते हैं। जैसे ही आप इस बटन पे क्लिक करेंगे आपका मैक्रो बनके तैयार हो जाएगा। दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अब आपका मैक्रो बनके तैयार है। और दोस्तों, अब मैक्रो में आपने एक नाम दिया था दीप और शॉर्टकट की आपने दी थी Alt+Q। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, जैसे ही मैं वो शॉर्टकट की प्रेस करूँगा Alt+Q, तो आप देख सकते हैं दोस्तों ये वो टेक्स्ट रिपीट कर गया, यानी जो आप जिसका आपने मैक्रो बनाया था। दोस्तों, सम टाइम में आप, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, देखिए दोस्तों Alt+Q, यानी जहाँ भी आप जाएंगे वहाँ जैसे ही की प्रेस करेंगे आपको जो आपने इस की में डाला था वो टेक्स्ट यहाँ पे आपको हूबहू टाइप कर देगा। दोस्तों, कई बार क्या होता है शॉर्टकट की भूल जाते हैं, यानी आपको नाम याद है मैक्रोज का, तो उसका भी अल्टरनेटिव है। दोस्तों, यहाँ मैक्रो ऑप्शन में आप जाएंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे थे, अगर आपको याद है कि एक तो रिकॉर्ड मैक्रो जो हमने रिकॉर्डिंग के लिए यूज़ किया था, लेकिन जो हमने यहाँ मैक्रोस बनाए हैं उनकी एक लिस्ट होती है जो हम व्यू मैक्रोस में, तो आपको याद होगा दोस्तों हमने अपने मैक्रो का नाम दिया था डी। आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ लिस्टेड होती है जितने भी मैक्रोस बनाए थे हमने, बनाए जाते हैं, और आप अपने मैक्रोस को सेलेक्ट करिए और यहाँ से आप रन कर सकते हैं। तो आप दोस्तों देखें, शॉर्टकट की के साथ साथ आप मैक्रो के नाम से भी उस टेक्स्ट को रिपीट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि मैं ये मैक्रो डिलीट करना चाहता हूँ, बंद करना चाहता हूँ, तो उसके लिए भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी मैक्रो में दोबारा जाइए, व्यू में जाइए और जो मैक्रो आप डिलीट करना चाहते हैं उसे सेलेक्ट करिए, और इस लिस्ट में एक ऑप्शन आता है डिलीट, आप डिलीट बटन दबाइए और ये
आपसे कंफर्मेशन पूछेगा और आपने कहा यस मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ, तो दोस्तों ये आपका डिलीट हो चुका है। अब अगर यहाँ पे अगर मैं शॉर्टकट की देता हूँ Alt Q या वहाँ पे देखेंगे आप मैक्रो में जाके, तो वो जो मैक्रो आपने डिलीट किया था वो नहीं मिलेगा, यानी कि वो आपका मैक्रो डिलीट हो चुका है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपने MS Word में काम करने के लिए जो बार बार सेंटेंसेस वर्ड्स बार बार रिपीट होते हैं उनका आप मैक्रो बना के शॉर्टकट भी बना सकते हैं और आप बहुत आसानी से अपने डॉक्यूमेंट में काम कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया, ये ऑप्शन पसंद आया, तो मुझे आप प्लीज़ मेरे को मैसेज करिए, मेरे वीडियो को देखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मैं आगे भी इस तरह के वीडियोज़ लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच।